नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर 11 बजे में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। महामाया फ्लाईओवर से लेकर डीएनडी तक ये जाम लगा हुआ है। करीबन 3 किलोमीटर लंबे इस जाम से लोग भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर से लेकर डीएनडी तक लंबा जाम लगा हुआ है। करीबन 3 किलोमीटर का ये जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी धीमी रफ्तार अब गाड़ियों की हो गई है और इस 3 किलोमीटर के जाम में फंसे लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। काफी लोग इनमें से ऐसे होंगे जिनको वक्त पर अपने दफ्तर पहुंचना होगा, लेकिन इस जाम में वो फंसे हुए हैं। महामाया फ्लाईओवर से लेकर डीएनडी तक का ये रूट है, जिसके बीच में 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। नोएडा में आज सुबह से ही जाम के हालात बने हुए हैं। महामाया फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं। नीचे का अगर रास्ता आपको दिखाएं, ये रास्ता सीधा दिल्ली 14A और डीएनडी को जोड़ते हुए दिल्ली जाता है। तमाम जो गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ी इसी तरीके से रेंग रेंग कर चल रही हैं महामाया फ्लाईओवर से फिल्म सिटी फ्लाईओवर तक। यही हालात हैं। उसके आगे की अगर बात करें तो डीएनडी पर चढ़ने वाले मार्ग में भी इसी तरीके से जो वाहन हैं वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा इसी तरीके का जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी हालांकि तैनात करने का बात जरूर कही गई थी, कुछ एक जगह तैनात जरूर है, लेकिन सुबह के समय ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाहनों का दबाव होने के चलते इस तरीके के हालात बने रहते हैं। तमाम एहतियात बरतने की बात और तमाम तरीके के निर्देश देने की बात जरूर अधिकारियों की तरफ से की जाती है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त नोएडा में इस रोड पर जो लिंक रोड माना जाता है इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। जो सफर 10 मिनट में तय हो सकता है उस सफर को तय करने में करीब आधे घंटे से 40 मिनट तक का समय लग जाता है। और अभी अगर सुबह की बात की जाए, ऑफिस जाने का